दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। बालाजी महाराज को चूरमे का भोग लगाने के बाद ही यहाँ होती है बरसात। जिले में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग बारिश नहीं आने पर उनकी पूजा व आराधना करते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार उनकी पूजा और आराधना करने के बाद क्षेत्र में बारिश आती है। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस मंदिर से ग्रामीणों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। ग्रामीणों द्वारा कोई भी शुभ कार्य करने पर इसी मंदिर में वे सभी मिलकर पूजा अर्चना करती हैं। सीकर जिले के पचार गांव में मुख्य बस स्टैंड से मुख्य बाजार के बीच एक ऐसा खेड़ापति बालाजी का मंदिर है जिसके प्रति क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर पुजारी के अनुसार ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। इस मंदिर का इतिहास भी बेहद रोचक रहा है। क्षेत्र के लोग जो व्यापार करने के लिए दिल्ली, नोएडा व जयपुर जैसे बड़े शहरों में गए हैं, इस मंदिर के जुड़ाव के कारण वे जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वे जरूर आते हैं। इस मंदिर के प्रति क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। इस दिन यहाँ पर विशेष आरती का आयोजन भी किया जाता है। आरती के समय यहाँ का दृश्य मनमोहक होता है। बच्चे हो या बड़े, यहाँ सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आते हैं। लोगों की मान्यता, बालाजी को जब लगता है चूरमे का भोग तभी होती है बारिश। बालाजी भक्त राकेश कुमार योगी ने बताया कि इस मंदिर के प्रति क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था है। जब यहाँ क्षेत्र में बारिश नहीं होती है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो ग्रामीण बालाजी महाराज को ही याद करते हैं। बालाजी मंदिर पुजारी द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से अगले दिन संपूर्ण गांव द्वारा चूरमा चढ़ाने का आह्वान किया जाता है, जिसके बाद गांव के प्रत्येक घर में अगले दिन चूरमा बनता है और आरती के समय भोग लगाया जाता है। ग्रामीणों की मान्यताओं के अनुसार चूरमा का भोग लगाने के बाद अगले दिन बारिश होती है। एक समय था छोटा मंदिर भामाशाह के सहयोग से बना विशाल काय मंदिर। पुजारी महेश धाइमा ने बताया कि यह मंदिर पूर्व में बेहद छोटा था, लेकिन ग्रामीणों और भामाशाह के सहयोग से इसे विशाल काय मंदिर बनाया जा चुका है। यह मंदिर क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी शैली से निर्मित किया गया है। इसे बनाने के लिए जयपुर, कोलकाता सहित अनेक राज्यों से कारीगर आए थे। ये मंदिर काफी पुराना है, काफी प्राचीन है और लोगों की इससे बहुत ही भावनाएं जुड़ी हुई है। और यहाँ इस गांव की मान्यता है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो यहाँ बाबा के भोग लगने के बाद में ही बारिश प्रारंभ होती है। और कभी भी गांव वाले इस बात से निराश नहीं हुए कि जब भी भगवान को भोग लगाया गया है उसके बाद में बाबा ने बारिश करवाई है यहाँ पे। और आज से नहीं, ये काफ़ी पुरानी समय से ये प्रथा चली आई है और ये काफ़ी आसपास के इलाके में सबसे भव्य मंदिर है। यहाँ पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिवलिंग हैं और बाबा का भी बहुत पुराना स्थान है। यह जगह बहुत ही पुरानी है और देखने लायक है और एकदम सत्य मंदिर है।